हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, जब भी हम किसी भी तरीके का लोन लेना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। चाहे दोस्तों आपको लोन पर पैसे लेने हो, कोई सामान आपको किस्तों पर निकलवाना हो, कोई मोबाइल को ईएमआई पर लेना हो, तो उसके लिए सबसे मेन आपका क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर देखा जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर सही नहीं होगा तो कोई भी सामान आपको लोन पर नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन आप अपना सिबिल स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं, अपनी सिबिल रिपोर्ट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कोई फर्जी लोन तो नहीं है। क्योंकि हो सकता है दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हो, कोई आप मोबाइल फाइनेंस पर कराने गए हो या कोई लोन लेने गए हो बैंक से और आपको बताया हो कि आपका क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर ख़राब है और आपको लोन नहीं मिलेगा। मेरे साथ भी एक बार ऐसे ही हुआ था। मैं एक सामान अपना लोन पर लेने गया था, लेकिन मुझे वहाँ बताया गया था कि आपके नाम पर आपके पैन कार्ड पर पहले से ही लोन अवेलेबल है, यानी आपके पैन कार्ड पर पहले से लोन चल रही है और जिसमें कि मैंने कोई भी लोन नहीं लिया था। अगर आपके भी पैन कार्ड पर लोन ऐसे चल रहे हैं कोई भी फर्जी, तो उसे आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में आना है, वहाँ से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेनी है। एप्लीकेशन का नाम है हमारी वन स्कोर। इसको डाउनलोड करने के बाद इस वाली एप्लीकेशन पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आता है। यहाँ पर चेक माय स्कोर पे क्लिक करते हैं, उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करूँगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी यहाँ पर आप फिल करेंगे, उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ डिटेल फिल करनी है। जो भी डिटेल यहाँ पर आप फिल करेंगे वो अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग करेंगे और यहाँ पर आप अपनी एक ईमेल आईडी डाल देंगे। यहाँ पर कोई सी भी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आप डालेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो भी पैन कार्ड में हो, उसके बाद यहाँ पर जेंडर को आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस को फिल करना है। सबसे पहले मकान नंबर डालेंगे, उसके बाद नीचे वाली कॉलम में प्रॉपर आप अपना एड्रेस फिल कर देंगे, अपने एरिया डालेंगे, पिन कोड डालेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। एड्रेस की डिटेल फिल करने के बाद जब आप नेक्स्ट आएंगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपका जो भी क्रेडिट स्कोर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं केवल हमारा एक्सप्रेम में क्रेडिट स्कोर दिखा रहा है, लेकिन सिबिल में हमारा क्रेडिट स्कोर नहीं दिखा रहा है। क्योंकि मैंने इसमें भी यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर कुछ सवालों के एक्स्ट्रा जवाब पूछे गए थे, जो मैंने यहाँ पर जवाब दिया तो उन्होंने बताया कि आपके यहाँ पर गलत है। लेकिन जो भी आपका यहाँ पर स्कोर होता है वो यहाँ पर बिल्कुल यही सही होता है, क्योंकि जो अलग अलग वेबसाइट है, सिबिल की अलग वेबसाइट है क्रेडिट स्कोर चेक करने की, मेन होता है हमारा क्रेडिट स्कोर, यानी जो पैन कार्ड से हम लेन देन करते हैं, जो भी हम लोन लेते हैं उससे जो टाइम पर हम पे करते हैं तो हमारा क्रेडिट स्कोर उतना ही अच्छा होता है। सिबिल केवल क्रेडिट स्कोर बताने की एक वेबसाइट है। बहुत से लोग समझते हैं सिबिल स्कोर जितना अच्छा हो क्रेडिट स्कोर उतना ही अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है यहाँ पर आपका अंतर आ सकता है। यहाँ पर 566 मेरा दिखाया गया है, हो सकता है यहाँ पर 570 हो, 550 हो या 580 हो या 600 हो, इसमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। लेकिन जो यहाँ पर आपका जो स्कोर है वो यहाँ पर आपका सही दिखाया जाता है। यहाँ पर लिख रहा हमारा स्कोर पुअर दिखाया गया है, क्योंकि हमारा स्कोर बहुत ख़राब है। ख़राब किस लिए, मेरे नाम पर यहाँ पर फर्जी जो है लोन लिया गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको अपने फर्जी लोन चेक करने हैं। और आपके केस में हो सकता है सिबिल भी यहाँ पर अपना स्कोर तुरंत दिखा दे, मेरे में यहाँ पर नहीं दिखा रहा, तो आप अपना डालकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लोन वाले सेक्शन में जाऊँगा। यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दो एक्टिव लोन है मेरे अकाउंट पर, यानी मेरे पैन कार्ड पर दो लोन चले हुए हैं जो मैंने बिल्कुल भी नहीं लिए। और किस किस ने यहाँ पर आपको लोन दिया है, किस वेबसाइट ने दिया है, किस बैंक ने दिया है, उसकी डिटेल भी यहाँ पर सभी आप देख सकते हैं। एक लोन 1000 का दिखाया गया है, दूसरा लोन हमारा यहाँ पर 10000 का है। मैं किसी भी एक पर आपको क्लिक करके यहाँ पर दिखा देता हूँ इसकी क्या रिपोर्ट है। इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कितना यहाँ पर आपका बैलेंस हो चुका है। आप देख सकते हैं 1000 रुपये का हमारा बैलेंस था, लेकिन अब यहाँ पर 2500 रुपये हो चुका है जो हमें पे करना है, लेकिन मैं इसे पे नहीं करूँगा क्योंकि ये फर्जी लोन है। मैंने कभी भी लोन ये नहीं लिया। मैं दूसरा वाला आपको दिखा देता हूँ, ये है 10000 वाला लोन और यहाँ पर एक्टिव लोन ये भी दिखा रहा है यहाँ पर। और 10000 रुपये के कितने रुपये हो चुके हैं ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, कब ये लोन लिया गया, सब डिटेल यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसमें पूरा यहाँ पर सभी बायोडाटा आ जाएगा। अगर आपका भी कोई लोन यहाँ पर शो करता है और आपने कभी भी इस तरीके का कोई भी लोन नहीं लिया है, तो उस लोन को ख़त्म करने के लिए आप रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट आपको कैसे करनी है, आप YouTube पर कोई भी वीडियो देख सकते हैं रिपोर्ट करने के लिए, या मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि फर्जी लोन को कैसे रिपोर्ट करें और उसे हटाकर अपना सिबिल स्कोर कैसे सही करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा मेन मोटिव ये था कि आप अपने पैन कार्ड का क्रेडिट स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं और ये कैसे देख सकते हैं आपके पैन कार्ड पर कोई फर्जी लोन तो नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।